यूपी में दनादन एनकाउंटर के बाद भी पुलिस अपराधों पर काबू नहीं पा पाई है और पहले जहां विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहा था वहीं अब यूपी पुलिस के कामकाज पर बीजेपी और उनके अपने ही विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं। हरदोई में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख और उनके भाई पर थाने में हमला किया गया। थाने में होमगार्डों ने बीजेपी नेताओं को लाठी डंडों से पीटा और उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बागपत में बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या के बाद बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने भी यूपी पुलिस को खरी खोटी सुनाई और कामकाज पर सवाल उठाए। पुलिस इस बात को तय करेगी, हमारा काम है निवेदन करना और समाज को आगे आज नहीं तो कल बात का मालूम चल जाता है कि असली अपराधी कौन है। और इसलिए मैंने निवेदन ये किया है, अगर उनको लगता है पुलिस वालों को वही असली अपराधी हैं, लेकिन ये बातें सबकी सामने आना चाहिए, भाई अपराधी उनके खिलाफ सबूत क्या क्या है, सबूत के साथ जो है काम होना चाहिए, किसी भी निर्दोष आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी भी योगी राज में पुलिस से बेहद खफा है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर सरकार से पूछा है कि यूपी में बीते 3 साल में कितने ब्राह्मण मारे गए और कितने आरोपी गिरफ्तार हुए। उन्होंने ये भी पूछा है कि यूपी सरकार के पास ब्राह्मण समुदाय की सुरक्षा के लिए क्या कोई प्लान है। निलंबित कर दिया गया, एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया, अब आप यहाँ क्यों आए थे? नहीं, मैं पर्सनल इनिशिएटिव पर आया था यहाँ पर जो है स्थिति को जानने, जमीन की पूरी चीजें जब हमारे उसमें होंगी तभी हम बात करेंगे आपसे। एक तरफ जहां बीजेपी के विधायक और सांसद यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना दावा कर रहे हैं कि अपराध का ग्राफ यूपी में कम हुआ है, कोई विधायक या नेता नाराज नहीं है। जिन खन्ना जी, विधायक क्यों नाराज है? ऐसा है क्योंकि आप भी संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, विधानसभा में भी मुद्दे उठते हैं। कोई नाराज नहीं है, ये तो सिर्फ मीडिया की ही देन है कि विधायक नाराज है। विधायक कोई नाराज नहीं है और आपको दिखाई भी पड़ जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो बीजेपी के ही नेता सवाल क्यों उठा रहे हैं। नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।